six points in the books. Let's start with the first one. William emphasizes that saying no is crucial for maintaining integrity, protecting interests, establishing health boundaries, and essential for preserving relationships, especially when you are in some real value engagement. उसने बोला होता क्या है लाइफ में, यू आर इन डिफरेंट सिचुएशन, कभी कभार आप जो होते हो, एंड लेट मी शेयर द वाइट बोर्ड. ठीक है, सो वो ये कहता है ऑथर द बुक नेम इज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग लिखते हैं प्रॉपरली एंड दे आस्क मी कौन ऑथर था, बुक कैसी दिखती है, यू नो, सो आई दैट्स व्हाई पोस्टेड बिग एंड ब्रॉड. सो इसमें सिक्स पॉइंट्स है. द फर्स्ट पॉइंट इज वो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो. कहता है वो इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो इज बिकॉज ऑफ द रीजन के इट कैन हेल्प यू इन फोर एरियाज. The first area is protecting the interest. Okay, let's say you got into any seva appointment, right? You got into any official appointment. Let's say you got into a very big professional appointment. ठीक है, आपके relatives, they will start calling you more. कि ओ भाई, Nargis is now something, Shehnaz is now something, you know, Parveen is now something. ये काम हो जाएगा Parveen. So वो फोन आना शुरू हो जाएंगे जो कि पहले नहीं आते थे या 200 साल से गायब थे लोग. Now they will start. होता है ये, इज दिस समथिंग दैट यू बिकेम क्विक और सक्सेसफुल एट समथिंग, और वो लोग आपको ढूंढ ढूंढ के फोन कर रहे हैं जो पिक्चर से गायब थे, राइट? सो उस वक्त स्पेशली इट गेट्स वेरी मच डिफिकल्ट इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद पावर ऑफ समथिंग, वेदर इट्स सोशल, सेक्युलर, मनी वाइज, पोजिशन वाइज, यू नो, एंड लोगों को अपने काम निकलवाने होते हैं लेमेंट टर्म आपसे, तो उस वक्त यू आर डूइंग इट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, राइट? कि आपकी इंटीग्रिटी कितनी आती है, या तो आप छोटे रिलेशन के लिए बड़ा रिलेशन जो कि आपका अपनी जॉब से या पोजीशन होता है वो कॉम्प्रोमाइज करते हो, और यही अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखो वो सारे वे बैक कंट्रीज जो हम छोड़ के आए हैं, जो करप्ट हो गए हैं, वो क्यों करप्ट हो गए? बिकॉज लोगों ने अपने लोगों को फेवरिज्म दी, लोगों ने अपने लोगों के लिए रूल्स ब्रेक किए, और लोगों ने अपने लोगों के लिए जॉब रिक्रूटमेंट्स की, फ्री लैंड्स बांटे, यू नो. सो यू टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑल दोस प्लेसेस. आज इतना केओस क्यों नजर आता है वहां पे डेवलपिंग कंट्रीज में? बिकॉज पीपल हैव गिवन प्रेफरेंस टू देयर ओन पर्सनल फ्रेंड्स फैमिलीज, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट नहीं किया, राइट? और क्या हुआ, कंट्री बैठ गया इवेंचुअली सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ. तो दिखने में ये छोटा सा नो ही था ना, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको एथिकल कॉम्प्रोमाइज की आदत थी, आपने नो नहीं बोला. सो ये बड़े लेवल पे नो ये था. छोटे लेवल पे नो ये कि आपको कोई ऐसी चीज के लिए कभी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फैमिली फोर्स करती है, विच यू फील के नहीं यार, ये मेरी बाउंड्रीज में नहीं आता, आई एम नॉट हैप्पी विद इट. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? कैन यू ऑल कनेक्ट, रेज योर हैंड्स. ऐसा होता है प्रैक्टिकली या ये एकेडमिक बात लग रही है? रेज योर हैंड्स. होता है, बहुत कॉमनली होता है. ठीक है, पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स. तो हमें ये समझ आ गया है कि समथिंग लाइक दिस हैपेंस, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जिसको नो बोलना है वो हमारा अपना है. ठीक है, एंड जिस चीज के लिए नो बोलना है वो एथिक्स है. अब इसमें से डिफरेंसिएशन ये आ जाता है सिंपली कि आपने सेल्फ को या अपने बंदे को रेड जोन में डाला, या आपने उसको फेवर देके बोला छोड़ो ना यार, एथिक्स अपनी फैमिली के लिए थोड़ी है, राइट? तो आपने किसके लिए एथिक्स डाला? एंड ये एक बहुत छोटी जगह से शुरू हो सकता है और ये बहुत बड़ी जगह तक जा सका है. ऑथर ये कहता है वो लोग जो एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत छोटे लेवल पे, वो बड़े होके बहुत बड़े एथिक्स को भी कॉम्प्रोमाइज करने में देर नहीं लगाते, राइट? इसकी एग्जाम्पल वैसे ही है कि आप बच्चे को आज सिखाते हो, जिसको अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कहा जाता है, कि बेटा डोंट से द लाई, या झूठ नहीं बोलो, बिकॉज आज एक छोटा झूठ कल एक हैबिट बन जाएगा, और परसों आप झूठ बोल रहे होगे और आपको फील भी नहीं होगा कि आप झूठ बोल रहे हो, राइट? बिकॉज वर्ल्ड वेरी ग्लैमरसली सेज दैट फेक इट अंटिल यू मेक इट. हमने ये बात सुनी है, यस और नो, राइट? सो दैट्स हाउ वी लिव लाइव इन वेस्ट, राइट?
अगर ये बात सच नहीं होती तो फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम बिलियन डॉलर कंपनीज नहीं बनती, बिकॉज वहां पे पीपल पुट फेक पिक्चर्स कि हम वेकेशंस पे गए थे, वी आर लिविंग सच अ गुड फ्रेंडली लाइफ, वी आर मेकिंग सो मच मनी, ये मेरी लैम्बर्गिनीज है, ये मर्सिडीज है, जबकि उसके पास बहुत दफा क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं होते उसकी ईएमआई भरने के. बट द ट्रू रिच पीपल नेवर पोस्ट पिक्चर्स लाइक दैट, जिनके पास शायद 10 लैम्बर्गिनीज खड़ी है. यस और नो? ठीक है. और इसमें एक चीज और आपने ऐड की कि आपने एथिक्स को पकड़ के रखा तो भी दो रास्ते आ गए, राइट? मुझे पता है शहनाज को क्यूरोसिटी हो रही होगी कि मेरे को बोलने तो मैं इसमें जस्टिफाई कर सकती हूँ, लेकिन ये एक जनरली एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसमें दो चीजें आ गई, समझो दिस इज नॉट शहनाज, दिस इज एक्स वाई जेड किसी एक्स के, और ये कॉमनली सीन एग्जाम्पल्स है, राइट? लोग एथिक्स की वजह से बहुत दफा हार्डशिप्स लेते हैं और कभी कभार इतने नाराज हो जाते हैं कि यार मेरे बस की बात नहीं है, दुनिया में वापस एक तरह इस तरह की चीज मिल गई, चलो दुनिया बड़ी, आई विल गो समवेयर एल्स. एक ये तरीका है, राइट, कि मैं क्यों हेडेक लूं, मैं क्यों फोर्सफुल लूं, ये भी तरीका है. और दूसरा है कि वहां रह के फाइट फॉर राइट्स, ठीक है, जो नरगिस ने बात की, या जो हमें टेक्निकली रिलीजन में बताया जाता है कि यू हैव टू फाइट फॉर द राइट्स, राइट? क्योंकि उसने कोशिश भी की, शहनाज ने, शी सेड हर बॉस के यू नो, एंड आई एम श्योर बॉस को भी पता चला होगा तो उसकी वापस क्लास लगी होगी पीछे से कि यू नो यू लेट द एम्प्लॉय गो. और उस तरह के बहुत सारे केसेस, मुझे एक रिसेंटली एग्जाम्पल याद आ रहा है, बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फर्म में द मैन एक्चुअली गॉट फायर्ड एंड आफ्टर 6 मंथ्स ही गॉट प्रमोटेड, क्योंकि जब उसके बॉस तक मेन बात, बट यू हैड टू बी इन टच विद द मेन मैन, तो थोड़ा सा आपको क्विट नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए. एक कहावत है ना, ले मैन में चोरी पर सीना जोरी, राइट? कि एक तो प्रॉब्लम किया साला तुमने, यू नो, एंड देन मेरे को तुम सिखाने आए हो कि हाउ टू बी इस्लामिक, राइट? कि यू वॉन्टेड कि यार तुम्हारे बच्चों को फ्री में मिले, बट यू आर हिटिंग द एम्प्लॉयर्स पॉकेट, राइट? एंड दुनिया के हर मजहब में लॉयल्टी टू द एम्प्लॉयर, या वो कहते हैं ना लेमैन में कि नमक खाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और एक बुक है अल्केमिस्ट, हमने शायद पढ़ी है, एंड आप उसमें देखो. और कल मैंने एक 5,000 करोड़ की कंपनी इंडिया में डॉक्टर वेलमोल ने बनाई, उसकी स्टोरी सुन रहा था. एंड एक चीज बड़ी कॉमन है, उससे किसी ने पूछा कि तुम रेलवे स्टेशन पे सोए भूखे प्यास से, इतने गरीब गांव से आए, 5,000 करोड़ की इंडिया भारत उसके एटॉमिक एनर्जी के साथ बना के बेच डाली तुमने, कैसे तुम्हारी लाइफ इतनी मिजरेबल थी? अगर लाइफ आसान हो तो क्या मांगोगे खुदा से, कि क्या बैड इंसिडेंट्स कट कर दिए जाए? उसके साथ भी ऐसा कुछ बहुत हुआ जो शहनाज बोलो. सो उसने बोला, अगर बिरयानी अच्छी बनी है तो इसका मतलब है रेसिपी इज राइट. अगर रेसिपी चेंज हो गई, अगर हार्डशिप्स निकल गई, मसाले निकल गए, मिर्च निकल गया, यू नो, चिलीज निकल गया, तो बिरयानी वुड नॉट हैव बीन दैट टेस्टी, राइट? ये 5,000 करोड़ की कंपनी नहीं बनती, शायद 5 करोड़ की कंपनी बढ़ती. तो ऊपर वाला प्लेस्ड मी इनटू दीज पॉइंटर्स ताकि मैं लर्न करूं, माई सोल वुड हैव बीन इन अ बेटर शेप. तो देखो होता क्या है कि एक तो सिंपल ये होता ना कि लाइफ में कुछ भी नहीं होता, वो जॉब कर रही होती है और सुकून से जॉब चल रही होती है और ये पॉइंट ही नहीं आता, राइट? दैट्स अ स्टेट ऑफ नो वॉर एंड नो लर्निंग. क्लियर हो गया? एक स्टेटमेंट आई कि शहनाज और एक्स वाई जी हैज बीन इन अ चैलेंज, के भाई भूल जाओ, देखते रहो, कोई बात नहीं, 1,000 लोग देखते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, राइट? चुप हो जाओ. दूसरा था कि एथिक्स के लिए खड़े रहो, 1 in 100 टेक्निकली खड़े रहते हैं फेसबुक पे, तो ट्विटर पे तो हर एक शोर करता है, राइट? ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, खड़े कितने लोग होते हैं, वो 1 in 10 होते हैं, 1 in 100, राइट? सो यू आर इन दैट 1%. ये बहुत मुश्किल बात बता रहा हूँ मैं, दैट्स वेरी इजी फॉर पीपल हियर टू सपोर्ट ऑन जूम, बट ट्रू लाइफ में करना मुश्किल है, राइट? फिर इस 1% में से कितने लोग क्विट करते होंगे और कितने लोग फाइट फॉर द राइट करते होंगे? अगेन शहनाज, मुझे पता है आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा बिकॉज आपकी बात हो रही है, बट हमने इसको पॉज कर दिया, अब हम इस पे आपके कॉमेंट्स नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज हमने एक्स वाई जी पर्सन बना दिया, ठीक है? और ये एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. तो लाइफ में क्या होता है कि वो सारी जो बुक्स हम पढ़ते हैं ना, वो सब काउंट पे आ गई कि बाहर वाले. अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल लो, रिमेंबर दैट गाय हु वाज बिल्डिंग द मॉस्क, और एक मजदूर था और उसको कितने लोगों ने बोला, कितने लोगों ने बोला, और एंड में जब उसने मॉस्क बना लिया तो पता चला बेरा था, ही कुड नॉट लिसन टू पीपल वर्ड्स, राइट? तो यहाँ भी यही हुआ कि इफ शनाज और एक्स वाई जी वॉन्ट्स टू स्टार्ट लिसनिंग, क्यों तुम तो जो भी हो रिलीजियस हो, तुमने ये किया वो किया, ह्यूमैनिटी पे ये हो वो, तो ये लोग ही तो है ना, तो यहाँ पे कान को बंद कर लेना पड़ेगा, ठीक है? वो सारी चीजें आ जाएगी जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है
जब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो मुश्किल हो जाती है। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे, रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी तो आ गई कि आप चाहे बोलो यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्विट कर रही हूँ, या मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज है, मैं क्विट करें। क्विट करने की भी बहुत रीजन हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा नहीं है कि आप चुप हो गए, बट आपने बोला छोड़ो ना यार, ऐसी चार चीजें और है मेरे पास, वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम। कभी कभार वो भी होता है, यू नो, शेर की और बंदर की लड़ाई हो रही थी, एंड दूसरा शेर आके शिकायत करता है, जो मास्टर शेर था, जंगल का, सेरेमनी का किंग था, उसको बोलते हैं, बंदर बोल रहा है कि जो है वो, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, ये शेर ज्यादा ताकतवर है। तो बंदर को मैं समझा रहा हूँ कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, वो बोलता है मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। अब बोलते हैं शेर आपके पास आया है फैसला, आप बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है। तो बोलते हैं तुम क्या बोलते हो शेर, वो बोलता है मैं बोलता हूँ मैं ताकतवर हूँ। 2 दिन से बहस कर रहे हैं हम लोग, बोलते हैं कुछ और काम नहीं किया, बोलते हैं कुछ और काम नहीं किया, समझाना था बंदर को कि मैं ज्यादा, बोलता है बंदर ज्यादा ताकतवर है, शेर को सजा मिलेगी। तो शेर को फोड़े मारे जाते हैं, शेर आता है थका हारा, नाराज होता है, मास्टर शेर के पास आता है, बोलता है तुमने शेर हो के बंदर को सजा नहीं दी, मुझे सजा दी। बोलता है वो बंदर है, यू नो ही इज एन इडियट, तुम शेर हो। ठीक है, तुमको पहले तो 2 दिन बहस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था उसके साथ, तुमने कर लिया तो कर लिया, तुम मेरे पास केस लेकर आगे मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो तुम्हें इसलिए कोड़े पड़े। तो समझ के आया, कभी कभार क्विट आदमी समझदारी में भी करता है कि छोड़ो ना यार, ठीक है मैंने बात कर ली, मैंने एम्प्लॉयर के कान में बात डाल दी, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई, तो आप कहते हो ना, डोंट बार्क बैक एट द बार्किंग डॉग्स, राइट? तो हमेशा क्विट करना कावर्डनेस नहीं होती, कभी कभार समझदारी भी होती है। नाउ लेट शनाज डिसाइड कि उसने क्या किया, बट एंगल होता है चीजों को देखने का। शनाज, नाउ डू यू एग्री विद मी, यस और नो? ना वो खुश लग रही है, मुझे लग रहा है वो बोले हाँ मेरा बात। शनाज को मन म्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि शनाज की स्टोरी है ना, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं ताकि हम बुक की तरफ आ जाएं। शनाज को अनम्यूट करेंगे जब वो भूल जाएगी उसकी स्टोरी है, ठीक है? ओके, लेट्स इरेज दैट। तो हमको ये समझ आ गया कि वो सारी चीजें जो हम एम्पावरमेंट की बुक में पढ़ते हैं, एक्चुअली आप देखो, व्हाई आई रिकमेंडेड यू दैट, ताकि आपको याद हो कि उसमें से इम्प्लीमेंट कब करना है, बिकॉज दिस इज ऑल कंटिन्यूइंग एजुकेशन, राइट? हमारे साथ ये हो गया, ओ आई हैव रीड समथिंग अबाउट हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, यही तो है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, और क्या है, राइट? और आप देखो आज की तारीख में IQ वर्सेस EQ, हम लोग कितनी बुक्स पढ़ चुके हैं, कितने लोगों को याद है ये पॉइंट? बड़ी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में IQ टेस्ट होता था, करेक्ट? अब ये बात EQ की भी सबको नहीं पता है। आज भी बहुत सारे लोग ओल्ड स्कूल IQ में मानते हैं, बट आज कॉर्पोरेट अमेरिका, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो के हैं, उसने IQ टेस्ट लेना बंद कर दिया, वो अपने इंटरव्यूज में EQ टेस्ट की बात करते हैं। तो EQ क्या होता है? इमोशनल क्वेस्ट। वो बोलते हैं IQ का काम तो अब रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT कर देगा, ठीक है? और बाय द वे, आज सुबह मैं वीडियो देख रहा था कि इलॉन मस्क 16 से 20 हज़ार डॉलर के रोबोट्स बनाने में सक्सेसफुल हो गया है, जो सुई में धागा भी डाल सकते हैं, कपड़े भी इस्त्री कर सकते हैं, कंधा भी दबा सकते हैं, घर में पोछा भी लगा सकते हैं, आपके साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं, आपको बुक की समरी भी सुना सकते हैं, तो हो सकता है मेरा एम्पावरमेंट सेशन भी बाय बाय हो जाए, ठीक है? और बहुत सारे और काम कर सकते हैं, आपके बच्चों को ट्यूशंस भी दे सकते हैं, ठीक है? और मैकडोनल्ड में खड़े होके बर्गर फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, अपनी जॉब्स काटेगा, लेकिन कौन सी जॉब काट रहा है? IQ को तो खत्म ही कर दिया ना दुनिया से, राइट? वो चीज जो सोचने की थी वो तो खत्म हो गई, अब इमोशन आ गया। आज भी रोबोट में इमोशन डालने में इंसान कामयाब नहीं हुआ, यस या नो, कितने लोग अग्री करते? वहां आप जीत गए, ठीक है? तो अब जो शहनाज का मसला हुआ, वो IQ का था कि EQ का था, जल्दी बताओ, कितने लोग कहते हैं IQ का था? नहीं, कोई थ्रेडिंग या वैक्सिंग या फेशियल की थोड़ी कोई कॉम्पिटिशन था, इमोशन का कॉम्पिटिशन था। अरे उसने गलत किया, उसने बोला नहीं तुमने गलत को गलत बता के गलत किया, राइट? अब आ गई इमोशनल वॉर, राइट? अब शहनाज ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट की तरह ब्लास्ट हो गई, और उसने बोला मारा मारी शुरू कर दी, सेकेंड लाइन अब्यूज शुरू कर दिया,
थर्ड लाइन कॉम्पोजिट रही लेकिन तरीके से शिकायत कर दी क्योंकि जरूरी था एम्प्लॉयर तक पहुंचाना, या चौथा डिप्लोमेट होके गेम खेलना शुरू कर दिया। हर तरह के लोग होते हैं, येस और नो, आप सोचो आप कौन से हो। पांचवे, हो सकता है बहुत जबरदस्त सैंडविच छुरी लगा के सामने वाले को फंसा दिया, उसको भी पता नहीं चलने दिया कि क्या था, बट इतना स्ट्रांग डिप्लोमेट थी कि नेक्स्ट टाइम उसको सबूत के साथ पकड़वा दिया, राइट, और बिल्कुल चुप रह के। हाँ, अभी नरगिस ने बोला हाँ ऐसा ही होना चाहिए, बट आपके मेरे लिए बोलना आसान है, आप और मैं होते ना उस जगह तो अपने को नहीं सूझता, यस और नो। क्यों? क्योंकि इमोशनल, देखो पता होना चीज कैसे करना है इज IQ, चीज को करना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, ये EQ है। गुस्सा नहीं करना सबको पता है, बट जब तुम्हारी गुस्से की बारी आती है तब नहीं करो, दैट्स EQ। तो बोलना आसान है, करना मुश्किल है। हमारे लिए शहनाज को सजेस्ट करना आसान है, इफ वी वुड हैव बीन शहनाज करना मुश्किल हो। शहनाज हम आपके साथ है, ठीक है, बट जस्ट क्योंकि मौके का फायदा उठा के, बिकॉज यू वर सो ऑनेस्ट इन शेयरिंग दैट, मुझे मौका मिल गया कि मैं एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल हूँ, थैंक यू फॉर दैट। आज आपको समझ आया कि Fortune 500 कंपनीज EQ वाला बंदा क्यों लेती है, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी ऑयल एंड गैस कंपनी में 5,000 लोग काम कर रहे हैं, 1,000 लोग इंडिया में बैठे हुए काम कर रहे हैं, 200 मलेशिया में बैठे हुए काम कर रहे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ रेडनेक्स हैं, कुछ मिक्स हैं, यू नो, कुछ ब्लैक्स हैं, हर तरह के लोग हैं, कुछ जेंडर इक्वालिटी वाले, कुछ LGBTs हैं, हर एक के अपने मसले हैं। ये बंदा CEO बन गया और ये हर बात में चिढ़ गया, तो मैं बाकी 5,000 को कैसे सिखाएगा? वो तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक्स पे बढ़ जाएंगे, या ह्यूमन राइट्स लेके बढ़ जाएंगे, या यू नो। तो इसको बड़ा टैक्टिकल होना पड़ेगा, इसको इमोशनल पे कंट्रोल होना पड़ेगा, इसको गुस्से पे कंट्रोल होना पड़ेगा, इसको पीपल फ्रेंडली पर्सन होना पड़ेगा, जब ये जाके मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव IQ की जरूरत नहीं है, इसके नीचे बेस्ट डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, बट इसके ऊपर EQ वाला राज करेगा। डिड यू गेट इट? ये बात समझ आ रही है सबको, येस और नो? तो लाइफ कहाँ आ गई? अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ, ये आप अपने बच्चों को बता सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन का चीफ एडिटर, लिंक्डइन का नाम सुना है सबने? लिंक्डइन इज लाइक अ सोशल मीडिया जो कि प्रोफेशनल्स का, ठीक है, उसका चीफ एडिटर जो सारी चीजें उस पर अप्रूव और वो करता है, उससे पूछा गया 2024 के बाद कौन से 3 करियर इंपॉर्टेंट होंगे, लिख लो टेबल टॉक पे, आपको आज वाह वाह मिलने वाली है शाम को या रात को, राइट? बच्चे बता, बोलो 2024 के बाद क्या पॉपुलर होगा? बोलेंगे AI, मेटावर्स, पाइथन। एक्सक्यूज मी, नहीं, उसने बोला 2023 तक की वो बात थी, 2024 के बाद इट्स ओनली एंड ओनली पब्लिक डीलिंग स्किल्स, इमोशनल क्वेस्ट, पब्लिक डीलिंग स्किल्स। वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत पुराना वर्ड है बट आज उसकी नई डेफिनेशन क्या है, अमेरिका के टाइम जोन में बैठ के पाकिस्तान में, इंडिया में, चार और कंट्रीज में, उनके टाइम जोन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, उनके फेस्टिवल्स, उनकी चीजों को समझ पाए, उनके इश्यूज को समझ पाए, उनसे काम करवा पाए, यहाँ के नए लोगों से काम करवा पाए, लोगों को मोटिवेट रख पाए, लोगों के लिए क्या इवेंट्स अरेंज कराने हैं, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ पाए, ऐसा बंदा चाहिए। वो लोग जो कंपनी, क्योंकि आधे से ज्यादा काम आज आउटसोर्सिंग हो रही है और अब वो आउटसोर्सिंग भी किल कर रहा है रोबोट्स, ऑटोमेटेड बॉट्स, राइट? तो उसने बोला अब जो स्किल आएगा, इसके ऊपर पूरी यूट्यूब वीडियोज है, उसने बोला वो ह्यूमन स्किल्स में जो लोग एम्पावर्ड होंगे, तो आप लोग और हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली पिछले 2 साल से हम लोग ह्यूमन स्किल्स एम्पावर्ड कर रहे हैं, येस और नो, राइट? ये इस तरफ अब लोग पैसे बनाने के लिए आएंगे, बिकॉज अब उसमें वैल्यू हो गई। और आप एक बात ध्यान रखो, वट एवर गाइडेंस इज गिवन टू अस इज वेरी एस्टीम, हमको समझ नहीं आता है जो इमाम बोलता है। इमाम हैज बीन सेइंग फ्रॉम डे वन, बी एथिकल, बी एथिकल, बी एथिकल, बी एथिकल, येस और नो, राइट? हमको समझ आया शायद खाली पैसे कैसे कमाने उस बारे में बात हो रही है, नहीं, आज हमने इतनी छोटी सी बात में देख लिया कि लड़ाई थी फेवरिज्म की या एथिक्स को रखने की। तो शहनाज ने सेकंड वाला साइड दिया, सो लेट्स क्लैप फॉर शहनाज, इसने बहुत बड़ा काम किया, ये आसान बात नहीं, ठीक है?
सो एज अ पर्सन शी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज, इसमें कोई डाउट नहीं है, लीडर्स कैन नॉट बी अनएथिकल, वरना वो लीडर नहीं, राइट? मगर उसको मैनेज कैसे करना है वो कहानी में फंस गई, राइट? और वो कहानी इतनी आसान होती तो सभी ईक्यू के चैंपियन या PhDs होते ना, राइट? और मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ नहीं रहे होते। तो हम लोग बेसिकली ये सीख रहे हैं एम्पावरमेंट में, इसलिए आज नो बोलना सीख रहे हैं। सो लेट्स क्लैप फॉर शहनाज वन मोर टाइम, बहुत स्ट्रांग टॉपिक लिया इसने। और अब चलते हैं सेकेंड मेथड पे कि फॉर्मूला क्या है नो बोलने का। आज बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑन कर दिए है, आज अटेंडेंस अच्छी है बिकॉज द टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग। सो टर्न ऑन द कैमराज, आई वॉन्ट मोर पीपल टू टॉक बिकॉज अब तो ह्यूमन स्किल दुनिया में राज करेगा, राइट? यस और नो? और वो कर रहा है, राइट? सो टर्न ऑन द कैमराज बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन स्किल, कि आप कॉन्फिडेंस भी भूल जाते हो जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो, राइट? ओके मुनीरा, सो लाइक द सेकेंड क्वेश्चन इज कि पॉजिटिव नो का फॉर्मूला क्या है। तो हमको ये तो समझ आ गया, नो बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, राइट? जो अभी किसी ने किया, बट कभी कभार नो बोल के अपनी कहानी खराब हो जाती है। तो किस तरह एथिक्स के साथ भी रहना बट अपने आप को भी दुनिया की डैमेज होने से बचाना। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में लूज हो जाते हैं बिकॉज एक ग्रुप जो गलत कर रहा है वो खड़ा हो जाता है और वो उसको निकलवा देता है जॉब से। बहुत कॉर्पोरेट्स में होता है, बहुत, इसको लोग बहुत दफा बुलिंग कहते हैं, बट ये बुलिंग नहीं था। दिस वॉज अ लड़ाई बिटवीन बींग सेल्फिश और सेल्फलेस। तो बंदे ने सही किया पर उसने क्या किया, उसको निकलवा दिया ना, बिकॉज चार लोग मिल गए जो गलत कर रहे थे कंपनी में, रॉन्ग बजटिंग कर रहे थे, रॉन्ग TADS बना रहे थे, राइट? तो ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी होता है, जो आज इसने शनाज ने बताया ना, इसको बताने के लिए दम चाहिए, राइट? शी डिड अ गुड जॉब। बट पॉजिटिवली नो कैसे किया जाए कि आपको भी फारिग नहीं करते लोग, आपको भी नुकसान ना दे दे और आप भी सही रास्ते पर हो। लेट्स टॉक अबाउट इट। इस दफा बुक को साइड में रख देते हैं। मुनीरा आप क्या करते हैं, आप उसकी जगह होते तो? व्हाट मुनीरा डिड इज एन एक्सीलेंट जॉब, और जो ये चीज है ना बहुत जरूरी है कि, और ये देखो मैं खुद अपनी रिसेंट एग्जाम्पल पे डाल रहा हूँ। आई वॉज आस्ड टू मेंटोर समबडी हु वॉज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट लेवल स्टूडेंट, जो अपनी Fortune 500 कंपनी की जॉब से ले ऑफ हो गया, 6 महीने से घर बैठा था। He was earning like $150,000 और उसके बाद उसको वो लेवल की जॉब नहीं मिल रही और वो करना नहीं चाह रहा क्योंकि उसकी लाइफ में डेफिनेशन बन गया 150 के ऊपर जाऊंगा नीचे नहीं आ सकता, राइट? तो मार्केट इज शॉर्ट ऑफ जॉब्स। तो उसको पेरेंट्स ने बिजनेस दिखाया है, ये दिखाया है, वो दिखाया है, राइट? वो सब चीजें वो इंटरनेट पे बैठ के सर्च कर रहा है कंटिन्यूसली लगा हुआ, 6 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे को बोला भाई मेंटोर कर दो, ठीक है? मैं बोला चलो क्रिटिकल केस है तो मैं सोशली थोड़ा सा टाइम निकाल कर। तो मैंने जब समझा गेम प्लान, और मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रूटल हूँ इस चीज में कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी। तुम घर बैठ के पैम्पर्ड चाइल्ड होके बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, यू हैव टू रोल अप द स्लीव एंड डाई, ठीक है? उनके सब ने यही किया। सो आई आस्क के तो अपने पेरेंट्स को पूछो हाउ डिड दे स्टार्टेड द बिजनेस, वो घर बैठ के इंटरनेट पे सर्च कर करके एम्पायर बनाया या रोल अप द स्लीव्स एक लेवल की रिसर्च के बाद मैदान में कूदने के बाद स्विमिंग करके बनाया। तो पेरेंट्स को बात बहुत अच्छी लगी, बच्चे को बात इतनी अच्छी नहीं लगी, राइट? एंड इवेंचुअली दो रास्ते होते हैं, बिकॉज अलहमदुल्ला मैं बहुत लोगों को मेंटोर कर चुका हूँ। मेरा ये जो ASM में स्टूडेंट्स है, 11,000+ स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ। मैंने एक चीज बड़ी सिंपल देखी, लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जिनको सच हजम होता है, डाइजेस्ट करना सच्चाई को, जिसको कहता है ना कड़वा सच, था बिटर ट्रुथ, लोगों के बस की बात नहीं है सच्चाई को सुनना, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, राइट? सो दैट्स वाई हम तो बात कर रहे हैं पर्सनल रिलेशन में, मैं तो बात कर रहा हूँ ऐसे रिलेशन की जिसमें आपके पैसे बनने जा रहे हैं। उसमें तो लोग सुनते ही है ना सामने वाले की येस और नो, राइट? लोग उसमें भी नहीं सुनते, लोग आज हर्ट हो जाते। तो आज के जमाने में एक चीज बहुत सिंपल आ गई और इस पे देयर आर टन्स ऑफ स्टडीज, कि आज के जमाने में इमोशनल टॉलरेंस बहुत कम है। क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हो? आज के बच्चे ज्यादा जल्दी बुली हो जाते हैं वर्सेज आप लोग। आप लोग बुली नहीं हुए अपने जमाने में? बुली के साथ मारी भी पड़ी है, लड़ाइयां भी हुई है, बहुत कुछ हुआ है, राइट? बट आज के बच्चे में इमोशनल टॉलरेंस कम है। कितना कम है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रेटिंग स्केल किया था, जो 1960 से पहले के लोग हैं उनका 8 से अबव था, 1980s वालों का 5 से अबव था, 2000 वालों का 2.2 है, ठीक है? 4 गुना इमोशनल टॉलरेंस कम है आज के बच्चे में,
समझे आप बात, राइट? फिर आप कह लो दैट्स लॉट ऑफ ड्यू टू द मीडिया एक्टिविटी, दैट्स ड्यू टू लॉट ऑफ फास्ट मूविंग लाइफ, एंड दैट्स ड्यू टू द पैम्पर्ड लाइफ। लेकिन आज आप जब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी उठाते हो ना, कोई भी पैम्पर्ड चाइल्ड सक्सेसफुल बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बना पाया आज की तारीख में, येस और नो? क्यों? क्योंकि पैम्पर्ड चाइल्ड का इमोशनल टॉलरेंस जीरो के बराबर होता है। उसको ऑलरेडी इतना पैम्पर्ड किया, उसको छोटा सा बुरा लगता है, घर के चार लोग उसको कहानी सुनाने आ जाते हैं, वो प्रैक्टिकल जिंदगी में निकल के बर्दाश्त कर ही नहीं सकता चीजें, तो वो कंपनी बनाना तो दूर की बात है। क्योंकि जब वो कॉर्पोरेट अमेरिका में जाता है या कहीं भी किसी भी मुल्क में जाता है ना, तो उसको थपेड़े पड़ती है, यू नो, इधर उधर स्लैब्स पड़ती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इंप्लॉयमेंट शॉर्टेज, फाइनेंशियल क्राइसिस, कॉम्पिटिशन, प्राइसिंग, रेगुलेटरी। तो वो तो इमोशनल टॉलरेंस घर पे उसकी थी ही नहीं, उसको तो पैम्पर्ड करने आ गए थे। अब लाइफ में आया, अब उसको फ्लडिंग मिल रही है, हर जगह वो धक्के खा रहा है, राइट? तो वो क्विट कर जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि IQ तो वो सीख लेगा, EQ सिखाओ अपने बच्चे को, बच्चों में टॉलरेंस लेवल बढ़ाओ, ठीक है? अब ये नहीं कि कल से आप सब जाके टॉर्चर करना शुरू कर दो बच्चों को, तरीका है। लेकिन इसने वही मेथड बताया है जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरी। हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल दैट? ठीक है, तो इसको लिख लो, दिस इज वेरी एग्जाम्पल। और नेक्स्ट टाइम अच्छा काम भी करने जाओगे ना, तो भी इस पिक्चर को याद रख लेना। ये दिख रहा है? कुछ लोगों ने कहा था कलर्स डालो, मैं तो फोटो भी डाल रहा हूँ, ठीक है, दैट्स गुड। तो आपको ये खिलाना है बीच का, सैलेड और तरियाकी और स्टेक या जो भी कह लो, राइट? हमस दैट्स योर नो कि भाई तुमने चोरी की है, मैं शहनाज एक्स वाई जी तुमको पकड़ चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या गेम करने वाली हूँ, दैट्स योर नो, ठीक है? अब ब्रेड ढूंढ के लाओ ताकि वो खा भी तो सके। अब उसको चिकन तिरयाकी पकड़ा तो बोलेगा भाई ब्रेड किधर, ऐसे कैसे खा लूं मैं, राइट? तो दुनिया में देखो, अब समझ आ गया वॉर EQ का है। IQ तो तुम्हारे पास है, तुम थोड़ा सा उस वक्त ब्रीद लेके सोचते ना कि यार कैसे प्रेजेंट करना है, तो शायद गेम खराब नहीं होता। देखिए, नो ऑफेंस टू यू, मैंने बोला ना, बोलना आसान है करना मुश्किल है, राइट शनास? हम रोज इस सिचुएशन में आते हैं। मुनीरा ने दूसरी सिचुएशन दी, लेट्स क्लैप फॉर हर। बहुत ताकत चाहिए, मतलब ऐसी अपनी बात बताना आसान नहीं होता 100 लोगों के सामने, राइट? लेकिन इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं एज अ ग्रुप, एज अ फैमिली। आपको बस उस वक्त अपना नर्व्स को होल्ड कर लेना है कि यार ठीक है, जो भी हो रहा है मुझे इस वक्त रिएक्ट नहीं करना है। ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, राइट? कि मैं आज रिजल्ट नहीं लाऊं तो मुझे मेडल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था। वो साइकोलॉजिस्ट एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी को डिप्रेशन से निकाल चुका है। मैं उस सेलिब्रिटी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसने मुझसे लिया, लेकिन वो सेलिब्रिटी मतलब जो टॉप बॉलीवुड की मूवीज इस साल दे रहा है, राइट? और वो डिप्रेशन में था, ठीक है? उसने उसकी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की थी इंडिया में। वो बहुत महंगा है, मेरी उससे कहीं बात हो गई ट्रैवल करते करते, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम। तो उसने मेरे को बताया कि एक डॉक्टर US में वो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली थी, राइट? और मुझे फोन आया, क्योंकि डॉक्टर थी, उसको पता था उसको मेंटल डिसऑर्डर है, बट उसने बोला मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर दूंगी और मैं आज मरने वाली हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ट्राई कर लूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, यू नो, इफ आई वुड हैव डाइड क्या फायदा पढ़ने लिख। तो उसने बोला, साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है, उसने ये नहीं बोला मरो नहीं, तुम गलत हो, कड़वा नो नहीं दिया, उससे बोला मरना ही है, कल मर लेना, 24 घंटे में क्या हो जाएगा, पार्टी थोड़ी बंद हो गई, तुमको मरने का शौक है मरो, जबरदस्त बेहतरीन, वैसी पॉपुलेशन बहुत है। तो वो डॉक्टर बोलती, उसके सामने भी डॉक्टर था बट मेडिकल डॉक्टर था, उससे 10 गुना तेज था माइंड कंट्रोल में। तो उसने बोला अरे बाप रे, ये तो मरने को मना ही नहीं कर रहा। मैंने तो बोलते तो कोई बोलेगा नहीं मरो, नहीं 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 क्या कर, बोला बिल्कुल मर जाओ, कल मरना, 24 घंटे दे दो। बोलते ठीक है, बोलता है फिर, बोलता है काम करो, 24 घंटे मेरे, आ जाओ मेरे पास क्लिनिक पे, घर पे बात करते हैं बैठ के, चाय शाय पीते। तो उसने क्या किया, वही सब किया जो हम बात कर चुके टोनी रॉबिन्स के। मैं उसकी टेक्निक नहीं बताऊंगा, बट टेक्निक के जो टुकड़े थे उसने सैंडविच खिला खिला के बात समझा दी कि मसला क्या है, राइट? तो उसने हिप्नोटाइज किया, बहुत कुछ किया, 24 घंटे बाद आज वो बोला 10 साल हो गए जिंदा, ठीक है? तो सक्सेसफुली लोगों को इलाज कर रही है ना, शी इज अ
सी इज ऑर्थोडेंटिस्ट, बट ये के वो बोला अगर मैं सैंडविच नहीं खिलाता तो वो 24 घंटे बाद मर जाती, राइट? दैट वाज द सिचुएशन। तो तुम लोग सोचो कि लाइफ में सैंडविच कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, इसलिए मैंने ये स्टोरी बताया। बोलो येस और नो, राइट? तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि यार हम बहुत सीधे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, भाई तुम्हारा मेरा दुनिया में कोई काम नहीं है, सीधों की दुनिया नहीं है, मान लो ये बात। अगर कोई आपको भी सीधा सीधा बोलेगा ना, आप भी रूप से लग जाओगे, येस और नो, ठीक है? क्योंकि हमको भी बर्दाश्त नहीं है कड़वा नो, इसलिए किसी और को भी नहीं, दैट्स प्रिटी नॉर्मल, ठीक है? तो ये अपने आप को चैंपियन और दूसरे को जीरो समझना छोड़ दो पहले, ठीक है? हमको भी सैंडविच की जरूरत है। और देखो एक कहावत है, तुम दुनिया को सैंडविच खिलाओगे ना, दुनिया तुमको सैंडविच खिलाएगी, तुम दुनिया के साथ कड़वे बनोगे ना, दुनिया तुम्हारे साथ कड़वे बन जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? और ये बात यू नो पीपल प्लीज हैव सेड दैट इन के ना, मीठा बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो। हमको लगता है वो, हम तो बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, हमको जो लगेगा बोल देंगे। बहुत मुश्किल है दुनिया के लिए, सैंडविच बना के छोटे छोटे ने वाले खिलाओ। अब सैंडविच बनाना मेन लाइफ का आर्ट है, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? तो आ जाओ सैंडविच बनाना सीखते हैं। कितने लोगों को सैंडविच आता है? तो सारी लेडीज ने सभी को सैंडविच घर में बनाने आते हैं, यस और नो? मजा आया मुझे। एक और लेट्स क्लैप फॉर अशरफ रतानी। बहुत बड़ा मर्डरर था अमेरिका में, हमने शायद स्टोरी डिस्कस की है। और उससे पूछा गया, उसने कुछ 400 मर्डर्स किए थे, ठीक है? मर्डर एंड रेपिस्ट, बहुत बहुत बड़ा न्यूयॉर्क का था। उसको जो मरने वाला था ना, तो एक साइकोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू किया और उसको पूछा कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि तुमने इतना कुछ बुरा किया दुनिया में? उसने बोला अरे मैंने कब बुरा किया, मैं तो नोबल कॉज कर रहा था। उसने बोला अरे 400 लोग मार दिए, नोबल कॉज कौन सा बोलते हैं, देखो सबको मारे, सब बुरे लोग थे, कुछ ना कुछ बुराई उसकी बताई उसने। बोला मैं तो दुनिया से पाप खत्म कर रहा था, दैट वॉज द एक्सीलेंट थिंग आई वॉज डूइंग। उसने बोला चोर को पता हो कि वो गलती कर रहा है तो वो चोरी थोड़ी करेगा, तो कोई भी गुनाह करने वाला है को हमेशा अपने आप को अच्छा ही समझता है। हम सब कितने अच्छे हैं, रेज योर हैंड, ठीक है? सब भरे पड़े हैं सिंस से, वी ऑल आर फुल ऑफ सिंस, राइट? तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बुरा हूं, दैट्स कॉल्ड बेइज्जती। तो अशरफ रतानी हिट द राइट वे, तो शायद उसको राइट वे में समझने से ये लगा अरे ये तो मुझे सिंफुल कह रही है। तो सिंफुल आदमी अपने आप को सिंफुल नहीं समझता, तभी तो सिन कर रहा है। और देखो वो कितनी स्ट्रांग थी, उसने सामने से आके शहनाज को बोला तुम तो इतनी रिलीजियस हो, तुमने खरा, वो एंड में भी अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं है, येस और नो शहनाज, राइट? क्योंकि उसको उसकी बुराई बुराई नहीं लगती, तभी तो वो बुराई कर रही है, राइट? ऊपर वाले ने कुरान में कहा कि मैंने आंखों के बंद कर दी और कान के पर्दे शट डाउन कर दिए, तभी बुराई को बुराई नजर नहीं आती। तो आप सैंडविच नहीं खिलाओगे तो ये समझ आ गया कि गेम ऐसे खेलना है कि बेइज्जती फील ना, राइट? ईगो फील ना। इंग्लिश में बहुत बड़ा वर्ड है 3 लेटर का, इसमें दुनिया सारी की सारी चल रही है, आपने सामने वाले का ईगो हैंडल करना है। डू यू ऑल अग्री टू द पॉइंट, येस और नो? ठीक है, तो शायद ईगो हैंडल करने के लिए ये शहनाज कर सकती थी कि ओ यू आर सो वंडरफुल, उसको 3 पुराने किस्से याद दिलाती थी, तुमने याद है उस तरह कस्टमर को कैसे हैंडल किया था, तुमने इस एम्प्लॉयमेंट का रेवेन्यू कितना बढ़ाया, तुम यार इतनी हार्ड वर्किंग हो, बॉस तो तुम चले जाओ तो तुम्हारे बगैर तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। क्या हुआ? ये पहला ब्रेड आपने अच्छे से बटर चिकन लगा के तैयार कर लिया, ठीक है? अब तुमने डाल दिया नो, अरे ये क्या कर रही हो अनएथिकली, $85 के लिए यार कॉम्प्रोमाइज कर रही हो तुम, राइट? कड़वा डाल दिया, अब दूसरा ब्रेड तैयार किया, लेकिन मुझे पता है तुम बड़ी एथिकल हो, राइट? चोर को बोल रही है एथिकल हो, तुम अगर चाहती तो ये नहीं करती, क्यों कर रही हो उस तरह से यार, नहीं करो, मैं ही सजेस्ट करूंगी। देखो गलत ही है ना, एक बहुत हाई लीडरशिप लेवल पर्सन हो, बहुत आगे जा सकती है, बॉस ट्रस्ट करता है, क्यों $25-50 के लिए यार, मेरा नहीं ख्याल ऐसे करो, तुमको सूट नहीं करता। क्या हुआ? शुरू में भी अच्छा बना दिया, एंड में भी अच्छा बना, वो 1 मिनट के लिए वाकई सोची थी अरे मैं इतनी अच्छी हूँ यार, वाकई तो मेरे को पता ही नहीं था, शहनाज ने बताया, राइट? उसको वाकई लगे हाँ यार छोड़ना, ये ले $50 पूरा टिकट काट दे, राइट? हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हो सकता है नहीं होता, बट दिस इज द काइंड ऑफ सैंडविच दैट वी वुड हैव टू मेक। बट वो कैसे बनता? ठंडे दिमाग से बनता। उस वक्त दिमाग ठंडा था? नहीं था। तो हमको एक बात समझ आया कि सैंडविच बनाना है बट घर जाके बनाना है, ये लिख लो, ये बुक में नहीं है, ये मेरी तरफ से एडेड है, राइट? कि हम लोग उसी वक्त सैंडविच बनाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त दिमाग होता है गर्म, सैंडविच खाएगा भी तो भी मुंह जल जाएगा। तो मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, कोल्ड सैंडविच,
है, एक हॉट ऑफ कॉफी होती है, कोल्ड कॉफी होती है, सबने सब पी है। ठीक है, आप लोग याद रखो कि कोल्ड ये सीनियर्स की तरफ से है, सारे सीनियर के लिए ताली बजा लो आप लोगों के लिए, राइट। ठीक है, तो ये बुक वाले को ईमेल करके बोलेंगे कि अभी ठंडा सैंडविच, ठीक है, गर्म सैंडविच नहीं, ये ऐड करता है, ठीक है, लाओ ना जब सबको खिला रहे हैं तो, राइट, बिकॉज पूरा सेशन हमने शनाज से बनाया, तो लेट्स क्लैप फॉर, ठीक है। लेकिन शनाज देखो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह शी इज वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, राइट, हर आदमी नहीं होता, लेकिन हमने क्या बात की, मुनीरा ने भी एग्जाम्पल शेयर की जो कॉमन एग्जाम्पल है, हर घर में होती है, बट 99 लोगों में शेयर करने की हिम्मत नहीं थी, शी शेयर्ड इट, राइट, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है, हर जगह हम कहीं अच्छे होते हैं कहीं बुरे होते हैं, बस मसला होता है जहाँ बुरे होते हैं वहां मानते हुए नहीं डर लगता है, राइट। तो उसने एक बात बहुत अच्छी बोली, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है, अब सैंडविच सब बना देंगे मुझे पता है, ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, थोड़ा सा सैंडविच बनाते हैं बट अब थोड़ी सॉसिंग डालते हैं, राइट, बारबेक्यू और चिपोटले और सेराचा सब डालते हैं, अब देखते हैं आप लोग कैसे डालते हो वो सब। उसने बोला यस तो तुम लोग बना लोगे, ये ध्यान से लिख लो इसको। बहुत सारे लोग सैंडविच बनाने में यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं तुम्हें सामने वाले की तारीफ क्या करनी है, वो जेन्यून होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, ऐसी तारीफ ना हो कि सामने वाले को लगे यार ये तो फ्लैटर कर रहा है, ठीक है। हर आदमी इंटेलिजेंट भी होता है, किसी को ये भी समझ आता है वो ये जो तारीफ कर रहा है ये मेरे में नहीं है, ये खेल रहा है, कितने लोग इतने होशियार हैं, रेज योर हैंड्स, बहुत ऑनेस्टी से सेल्फ जज करना। और कुछ लोगों को जो भी तारीफ कर दो ना, बोले हाँ यार ये मुझे नहीं पता लेकिन होगी मेरे में, उसको दिख रही है तो होनी चाहिए, वो इतना फ्लैटर में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट है और सक्सेसफुल लोग फ्लैटरी को पकड़ लेते हैं, राइट, वो फौरन पकड़ लेंगे कि ये मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, यस और नो, दैट्स कॉल्ड फ्लैटरी, राइट, और चने के झाड़ पे चढ़ा के धक्का दे दिया जाता है, राइट। तो इसलिए आपको चने के झाड़ पे कौन चढ़ा रहा है आपको स्टॉप कर, तो उसने बोला यस फ्लैटरी नहीं होना चाहिए, ये रूल्स फॉर द बुक है, लिख लो, यस शुड बी जेन्यून, तो जो ब्रेड होगी ना तुम्हारी, जो तारीफ होगी तुम्हारी सामने वाले के बारे में, वो जेन्यून होनी चाहिए, तो अब तुमको सोचना आना चाहिए कि देखो क्या पॉजिटिव किया था उसने, उसको वो ही बताओ, ठीक है, उसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, दैट्स हाउ यू मेक योर डेजर्ट। बट उसने बोला जो नो होना चाहिए ना वो बहुत फर्म होना चाहिए, अब फर्म का मतलब क्या, अब देखो तुमने सोचा यार मुझे इसको हकीकत बतानी है, चाहे ये मेरा सन है, मेरी डॉटर इन लॉ है, चाहे मेरा स्पाउस है, चाहे मेरे पेरेंट्स है, चाहे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, अब यस में तो बड़े खुश हो जाएंगे, दो नो आते ही लाइटर ऑन हो जाएगा, झटका लगेगा, यू नो, यस और नो, राइट, सो हाउ विल यू टेक केयर ऑफ दैट, सामने से हो सकता है रिवॉल्ट भी आए, अच्छा नहीं तारीफ तो सही थी ये तुमने क्या बोला, तो बोलना नहीं बात तो सही है, गलत तो चोरी है, ठीक है, लेकिन आपको सूट नहीं करता यार, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं, तो क्यों खाली पीली में अनजाने में कोई गुनाह कर रहे हो, राइट। तो उसने बोला नो में फर्म होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोग हिलाएंगे आपको नो पे कि नहीं नो चेंज करो, यस तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी फेवर का था, नो मेरे बस की बात नहीं थी, नो सही नहीं है, तुम बोल तो नहीं गए, क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। उसने बोला नो पे स्टैंड लेना आना चाहिए, हो सकता है हमेशा सैंडविच अच्छा ना लगे, कभी बिटर भी हो जाए, कभी कड़वा भी हो जाए, तुमने खिलाने की कोशिश की ना, सामने वाले को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम था वो उसका मसला, बट नो पे रिस्पेक्टफुल एंड फर्म, इसको लिख लो, बिकॉज तुमने बोला ना नहीं यार छोड़ना अभी रिलेशन कौन खराब करे, नो ही चेंज कर देता हूँ, तो सारा मसला ही नो का था ना, राइट, सारी जंग ही नो की थी, यस और नो। तो उसने बोला नो पे तुमको फर्म होना पड़ेगा, और कहते तुमने ये चीज सीख ली तो ये एग्जाम्पल है ट्रू लीडर, आज ट्रू लीडर आज की तारीख में 2024 में कैसे बना जाता है, एक्सक्यूज मी, ऐसे बना जाता है। तो बेसिकली आज का टॉपिक मैं आपको बोलूँ ना, तो हमने नो से वो बना दिया है हाउ टू बी इमोशनल इंटेलिजेंट, क्योंकि हमने सिर्फ नो को नहीं सीखा, हमने नो को कैसे खिलाना है ये भी सीख लिया जो बुक से बाहर था, यस और नो, राइट, डिड इट हेल्प, ठीक है, कोई सजेशन देना चाहेगा किसी को ये चीज प्रैक्टिकली हेल्प की लाइफ में, द थिंग इज के वी विल एंड टुडेज वीडियो इज 5 o'clock, बट हम लोगों को अगर नहीं लिखेंगे तो वी विल फॉरगेट इट, और जब हम भूल जाएंगे तो हमारे काम की वो बात
नहीं रहेगी। सो इसलिए गुड लक गाइस, मैं मीटिंग का लिंक भेज दूंगा एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम देर इज अ न्यू लिंक, सो हम लोग यही लिंक यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। एंड शनाज वंस अगेन सॉरी फॉर एनी ऑफेंस, बट यार मजा आ गया आपकी सिचुएशन, यू नो मे यू गेट आउट ऑफ इट, बट उसने सिखाया बहुत, तो दैट्स वाई प्रैक्टिकल शेयरिंग हेल्प्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, शुक्रिया।